हे लवली पीपल, आई होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली फाइन। लास्ट दो तीन वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि आप लोगों के जितने सारे क्वेश्चंस हैं डॉट हैं, प्लीज कमेंट करके मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उसको पिक करके एक समराइज्ड वे में Q&A वीडियो बना के डिस्कस कर लूंगा। तो वेलकम टू दिस Q&A वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं एक एक करके सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगा एंड सारे डॉट क्लियर कर दूंगा। तो Q&A वीडियो बनाने का मेरा मेन मोटिव यही रहता है कि सपोज किसी एक स्टूडेंट का डॉट है, ठीक है, उन्होंने कमेंट करके पूछ लिया, हो सकता है कि सेम डॉट और भी स्टूडेंट के पास हो एंड वो कमेंट नहीं कर पाते हैं, नहीं करते हैं, तो Q&A वीडियो से उन सारे के डॉट क्लियर हो जाते हैं। तो वेलकम टू दिस Q&A वीडियो एंड बिना देरी किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं एंड देखते हैं कि सबसे पहला कमेंट किसका पिक किया। मैंने कमेंट किया है पवन भाई ने एंड क्वेश्चन है, हेलो भाई, सीए फाउंडेशन हिंदी मीडियम से कर सकते हैं क्या? सीए फाउंडेशन के आप पूरी सीए कोर्स कर सकते हो हिंदी मीडियम से, एक पूरा प्रॉपर हिंदी मीडियम से सीए कोर्स डिजाइन है, तो आप बिल्कुल कर सकते हो। बट मेरा एडवाइस रहेगा आपको कि आप इंग्लिश सीखो, बेटर होगा कि आप इंग्लिश मीडियम में करो, पूरी दुनिया इंग्लिश मीडियम में करती है। बिकॉज मैं ऐसा नहीं कर रहा कि हिंदी से मत करो, डिमोटिवेट नहीं कर रहा, बट एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा सिचुएशन आएगा कि आप खुद को देखोगे कि मैं पीछे रह गया, आपको उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएगी। आप इंग्लिश सीखते हो तो पूरी दुनिया के साथ काम कर सकते हो एंड आपको बहुत ही ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर आप ये सोच के कह रहे हो कि मेरा 10th और 12th दोनों हिंदी बैकग्राउंड से था एंड हिंदी मीडियम से किया था, तो इसमें मैं अपनी स्टोरी सुनाना चाहूंगा। मेरा 10th और 12th दोनों हिंदी मीडियम से है एंड बिहार बोर्ड से मैंने 10th और 12th दोनों किया है। पूरा सिलेबस हिंदी मीडियम में था, इंग्लिश में सिर्फ एक पेपर था, वो था इंग्लिश 100 मार्क्स का, उसके अलावा मैंने इंग्लिश कहीं नहीं पढ़ा था 12th तक। एंड यहां पर जब आया मैं दिल्ली 2017 की बात है, तो पूरा सीए कोर्स जो फाउंडेशन था वो इंग्लिश में था। एक टाइम पर तो मुझे भी लगा था कि काश ये कोर्स मुझे हिंदी में पढ़ने को मिल जाता, बिकॉज इंग्लिश तो समझ नहीं आती थी, बहुत ही डिफिकल्ट था। मैं सोचता था कि क्या पता हिंदी पढ़ के देखता हूँ थोड़ा बहुत कुछ समझ में आ जाए। तो वहां पे जो सीए कोचिंग में जहां पे मैं क्लासेस लेता था वहां के जो मैनेजर थे उनसे जाके मैंने पूछा भी था क्या ये मुझे बुक हिंदी में मिल सकता है, सीए फाउंडेशन के जितने भी बुक्स थे। तो उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छी बात बताया था कि बेटा खुद को सीए कोर्स के हिसाब से तैयार करो, आप अपनी कंफर्टेबिलिटी मत ढूंढो, आप इंग्लिश सीखो, अच्छे से तैयारी करो एंड आपको बहुत ही अपॉर्चुनिटी मिलेगा आगे जाकर। तो तब से मैंने हिंदी के बारे में सोच ही खत्म कर दिया अपना एंड मैंने बहुत ही मेहनत किया था सीए, लिटरली बता रहा हूँ। मेरे पास उस टाइम पर फोन नहीं था, सैमसंग गुरु का फोन हुआ करता था, आप में से कई सारे लोग जानते होंगे। उस टाइम पे मेरे पास एंड्रॉयड फोन नहीं था, तो वहां पे मेरा एक दोस्त था रोहित करके, उसके पास ये था एंड्रॉयड का फोन, तो उसके फोन में जाके मैं सर्च करता था गूगल से, तब इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करके एंड डिक्शनरी टाइप में मैंने एक नोटबुक बनाया था, उसमें सारे वर्ड्स लिख लिख के याद किया। धीरे 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 करते करते मैंने पूरा इंग्लिश सीख लिया एंड पूरा सीए फाउंडेशन कोर्स कर लिया एंड सीए फाउंडेशन भी मेरा पहले अटेम्प्ट में निकल गया था। तो मैं आपको भी एडवाइस करूंगा कि प्लीज आप इंग्लिश सीखो एंड सीए फाउंडेशन आप इंग्लिश में ही करो। सेकेंड क्वेश्चन है नीतू नेगी का, बेस्ट सीए फाउंडेशन कोचिंग सेंटर कौन सा होगा? मैं इसके लिए आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अनअकैडमी पर क्लासेस ले सकते हो एंड आपको बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी पर एक न्यू बैच स्टार्ट होने जा रहा है सीए फाउंडेशन मई 22 अटेम्प्ट के लिए 22nd ऑफ दिसंबर से। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि 6 एजुकेटर्स हैं आपको इस बैच में पढ़ाने के लिए, सीए फाउंडेशन बैच के लिए। यहां पर आप देख रहे होंगे कि इकोनॉमिक्स एंड बीसीके के लिए हैं जेएस वात्रा सर, अमित पोपली सर लॉ के लिए हैं, जिनको इंट्रोड्यूस कराने की मुझे जरूरत नहीं है। आप में से कई सारे लोगों ने अमित पोपली सर का नाम पहले से सुन रखे हैं। राहुल सर हैं, नकुल सर हैं अकाउंट के लिए, रचना मैम हैं आपको बीसीआर के लिए एंड जतिन सर हैं मैथमेटिक्स के लिए। आगे आप देख पा रहे होंगे यहां पर कि दिसंबर 2021 में आपकी पूरी स्ट्रेटेजी बनी है, अभी से दिसंबर 2021 में आपका बैच स्टार्ट हो जाएगा। जैन 2022 में आपको एमटीपी एंड आरटीपी का प्रैक्टिस कराया जाएगा एंड फरवरी में आपको क्विक रिवीजन दिया जाएगा एक एंड वन डे मैराथन जो होता है एग्जाम से बिफोर एग्जाम, वो आपको मई 22 में आपको देखने को मिलेगा। लाइव इंटरेक्शन देखने को मिलेगा, रिकॉर्डेड लेक्चर्स विद अनलिमिटेड वॉच टाइम। आपको सपोज किसी एक क्लास में समझ में नहीं आया, दोबारा जाके देख सकते हो कि क्लासेस में क्या पढ़ाया गया था, विद अनलिमिटेड व्यूज, मतलब अनलिमिटेड वॉच टाइम है, जितनी मर्जी उतनी बार देखो। एंड एवरी फोर्थ सेशन आपका एक डॉट सेशन होगा, उसके बाद आपको अपडेटेड स्टडी मटेरियल मिलेगा एंड प्रॉपर टेस्ट लिया जाएगा आपको टाइम टू टाइम एंड उसके आंसर शीट को भी टाइमली इवैल्यूएट करके आपको मार्क्स बताया जाएगा, सो दैट आप अपनी प्रिपरेशन उस हिसाब से इंप्रूव कर सको। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि भैया ये नहीं बताया आपने कि क्लासेस के प्राइस कितने हैं सीए फाउंडेशन का अनअकैडमी पर, तो मैं आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको कि आप देखो प्लस सब्सक्रिप्शन लेने का आपको प्राइस पड़ेगा 15,750, मतलब 15,750 में आपको पूरा क्लास मिल रहा है एंड आप 6 मंथ में ईएमआई पर फी पे कर सकते हो, और क्या चाहिए यार।
2625 रुपीज यानी 2625 रुपए पर मंथ का ईएमआई पे करके आप पूरी क्लास ले सकते हो सीए फाउंडेशन का। इससे ज्यादा सस्ता क्या चाहिए आपको? तो वेट किस बात का कर रहे हो, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप वहां से अनअकैडमी आप डाउनलोड करो। और हाँ, मेरा कूपन कोड यूज करना मत भूलना जो कि है रोशन 2022। अगर आप ये यूज करते हो तो फ्लैट 10% डिस्काउंट मिलेगा। सपोज 15,000 का आपको क्लास का प्राइस है तो आपको अगर मेरा कोड यूज करते हो तो सीधा 1500 रुपीज आपको फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा। एंड अपने क्लासेस लो। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थर्ड क्वेश्चन है सुनील कुमार का, भैया क्या हम में टैली या एक्सेल की नॉलेज होनी चाहिए आर्टिकल से स्टार्ट करने से पहले, या उसके बिना भी काम चल सकता है, प्लीज आंसर। देखो, टैली और एक्सेल की नॉलेज आपको होनी चाहिए, ये बिल्कुल फिक्स है, उसके बिना काम बिल्कुल भी नहीं चल सकता। बिकॉज आप जब भी इंटरव्यू में फेस करोगे या फिर इवन ऑफिस में आप काम करोगे तो आपको टैली और एक्सेल पे ही काम करना पड़ेगा। कुछ दिन आपको डेटा एंट्री करने के लिए देंगे, एंट्री बुक्स कीपिंग के काम देंगे ऑफिस में, तो उसके लिए टैली आनी चाहिए। एंड एक्सेल तो भाई साहब इंडस्ट्री की जान है एक्सेल। अगर आप एक्सेल बहुत अच्छे से जानते हैं तो आप इंडस्ट्री में सबसे आगे जा सकते हैं। तो हर एक काम, छोटे से छोटे हो या बड़ी से बड़ी काम हो, हर एक काम एक्सेल पर होती है आजकल। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक्सेल की ट्रेनिंग ले लो, कहीं से क्लासेस ले लो। तो आपको टैली और एक्सेल की नॉलेज जरूर होनी चाहिए आर्टिकल से स्टार्ट करने से पहले। फोर्थ क्वेश्चन है आयुष तिवारी का, भाई जी आप ओरिजिनली कहाँ से हो? तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में नहीं, चैनल के अवार्ड सेक्शन में जाओगे तो वहां पर भी मैंने मेंशन किया है, मैं मधुबनी बिहार से हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन है राहुल कुमार का, आप अपना क्वेरी नंबर अवार्ड सेक्शन में प्रोवाइड कर दो भाई, मैं भी सीए करना चाहता हूं पर मैं हिंदी मीडियम से हूं, क्या मैं सीए कर सकता हूं? बिल्कुल आप सीए कर सकते हो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि मैं अपनी जर्नी खुद बताया, मैं 12th और 10th दोनों हिंदी मीडियम से था। तो आप बिल्कुल करिए, एंड इंग्लिश में करना प्लीज, मेरी तरफ से आपको एडवाइस रहेगा, फुल सपोर्ट रहेगा कि आप इंग्लिश में सीए कोर्स करो। एंड आपने पूछा है कि मैं अपना क्वेरी नंबर आपको अबाउट सेक्शन में दे दूं, तो उसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि मैंने अपना एक टेलीग्राम चैनल भी बना लिया है। इस यूट्यूब के जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं वो वहां पर आ सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल पर, यहां पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप उसको क्लिक करके टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हो। तो फटाफट से आप टेलीग्राम चैनल पर आ जाओ। सिक्स क्वेश्चन है एसएच का, योर 12th परसेंटेज, क्यों पूछते रहते हो परसेंटेज, टोटल 354 मार्क्स थे आउट ऑफ 500, इतना तो कर ही सकते हो, परसेंटेज आप अपने आप निकाल लो। सेवेंथ क्वेश्चन है क्या बिग फोर में हम टैक्सेशन के आर्टिकल शिफ्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, जैसे एक ऑडिट डिपार्टमेंट होता है, जीएसटी डिपार्टमेंट होता है, वैसे ही एक टैक्सेशन डिपार्टमेंट होता है। एंड मे बी, देखो मैं बिग फोर से नहीं हूं तो मुझे उतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, जहां तक मुझे लगता है कि वहां पर कॉर्पोरेट सेक्टर के क्लाइंट्स ज्यादा होंगे बिग फोर के पास टैक्सेशन डिपार्टमेंट में, तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो, ऑल द बेस्ट। एट्थ क्वेश्चन है, भैया मैं अभी 12th क्लास में हूँ एंड आगे मुझे सीए कोर्स करना है, तो उसके लिए कोई सजेशन दे सकते हो अभी से? देखो मैं एक ही सजेशन देना चाहूंगा, पहले तो आप 12th बोर्ड क्लियर करो अच्छे से। एंड अगर आपके सिलेबस में मैथ नहीं है तो प्लीज मैथ का क्लास आप लगा लेना, क्योंकि आगे फाउंडेशन में आकर के आपको मैथ पढ़ना पड़ेगा। तो आप 12th से अगर थोड़ा बहुत पढ़ के आओगे तो सीए फाउंडेशन में वो बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा एंड आपका सीए फाउंडेशन बहुत ही इजिली निकल जाएगा। तो एक ही सजेशन है मेरी तरफ से कि आप मैथ की कोचिंग कर लेना, अगर आपके सिलेबस में ऑलरेडी है तो फिर तो टेंशन लेने की बात ही नहीं, अगर नहीं है तो प्लीज थोड़ा बहुत कहीं से पढ़ लेना मैथ, बहुत ही हेल्प मिलेगा आपको सीए फाउंडेशन में आकर के। नाइन्थ क्वेश्चन है आस्तिक वर्मा का, भैया मैं बीकॉम फाइनल ईयर में हूँ तो सीए फाउंडेशन दे सकता हूँ जून में? आप दे सकते हो, आपकी मर्जी है, बट मेरी तरफ से आपको एडवाइस रहेगा कि आप ऑलरेडी बीकॉम फाइनल में हो, 3 साल से आप बीकॉम कर रहे हो तो कुछ तो उसका एडवांटेज मिलना चाहिए। तो आप बीकॉम फाइनल एक बार क्लियर कर लो, उसके बाद आप सीए में डायरेक्ट एंट्री से रजिस्ट्रेशन लेना एंड सीधा इंटरमीडिएट का एग्जाम देना। उससे पहले आपको 9 मंथ का आर्टिकलशिप करना होगा, वो आप आर्टिकलशिप ज्वाइन कर लेना एंड देन सीधा इंटरमीडिएट देना, आपको फाउंडेशन देने की जरूरत नहीं है। तो एक बेटर अप्रोच आपको। इसी के साथ इस Q&A वीडियो को एंड करते हैं एंड आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो यहाँ पे नीचे रेड कलर में आपको सब्सक्राइब लिखा दिख रहा होगा, उसको प्रेस करके सब्सक्राइब कर लेना है एंड नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना है, सो दैट मैं जब कभी यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे एंड आप कभी भी मेरा वीडियो मिस नहीं करोगे। और हाँ, अनअकैडमी पर क्लास लेते टाइम मेरा कोड यूज करना मत भूलना जो कि है RAUSHAN2022। आप यूज करोगे तो आपको फ्लैट 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो प्लीज मेरा कोड यूज करना एंड आप अपनी क्लासेस स्टार्ट कर दो, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।